हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एन पॉलिसी क्रॉप के. इट इज एन सिंपल इंस्ट्रक्शन एग्जांपल ऑफ एन ट्रैफिक इंजीनियरिंग. जो हमारी लास्ट वीडियो हुई थी ट्रैफिक इंजीनियरिंग इन एसडीएन एप्लीकेशन. एसडीएन एप्लीकेशन के अंदर एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग का क्या हमने कंसेप्ट देखा था, तो उसका एक एग्जाम्पल दैट इज एन पॉलिसी क्रॉप कि किस तरह से हम ट्रैफिक को इंजीनियरिंग करते हैं, मॉनिटर करते हैं, एनालिसिस करते हैं. तो उसके ऊपर एक बेसिक एग्जांपल जैसा सिंपल कंसेप्ट है. इसके अंदर हम डायग्राम भी देखेंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे, डिफरेंट फंक्शन, फंक्शनलिटी, मॉड्यूल्स सब इसके अंदर होना है. थोड़ा सा लिटिल बिट लेंदी ये टॉपिक होने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली याद रखो कि ये जो टॉपिक है हमारा, जो मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क मुंबई, अकॉर्डिंग टू मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेबस हमने लिया है. तो लेट्स स्टार्ट करते. फर्स्ट इज एन पॉलिसी कॉप. एन इंस्ट्रक्शन एग्जांपल ऑफ एन एसडीएन एप्लीकेशन इज एन पॉलिसी कॉप विच इज द ऑटोमेटेड क्वालिटी ऑफ सर्विस पॉलिसी इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क. जस्ट लाइक कि जैसे मैंने बताया था प्रीवियसली, हमारे एसडीएन एप्लीकेशन का एक एग्जांपल. ओके, एसडीएन एप्लीकेशन के अंदर हमने देखा था ट्रैफिक इंजीनियरिंग, जो लास्ट वीडियो था उसका इंफॉर्मेशन जो भी है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो आप व्हाट इज द ट्रैफिक इंजीनियरिंग देख सकते हैं. और नेक्स्ट क्या है, इसका कंसेप्ट क्या कर रहा है, विच एट एन ऑटोमेटेड क्वालिटी ऑफ सर्विस पॉलिसी इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क. कि पॉलिसी इन्फोर्समेंट जो भी पॉलिसी है उसको वर्क करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए हमारे पॉलिसी को यहाँ पे हम यूज करने वाले. इसके अंदर कुछ डिफरेंट फ्रेमवर्क्स लिवरेजेस प्रोग्रामिटी ऑफर द एसडीएन एंड ओपन फ्लो फॉर. इसके अंदर क्या क्या डिफरेंट प्रोग्रामिटी ऑफर की है. फर्स्ट एंड डायनेमिक ट्रैफिक स्टेयरिंग, कि डायनेमिकली हम ट्रैफिक को हैंडल कर सकते हैं. एंड स्टेयरिंग लेसन उसको आपके यूज़र के अकॉर्डिंगली या एज पर कंडीशन अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते, तो चेंज कर सकते हैं. कि जैसे लाइक कि स्टेयरिंग लेसन हम कोई भी व्हीकल देखते हैं, स्टेयरिंग क्या काम करता है, उसको डायरेक्शन देने का. तो उसी के तरह से हम जो भी ट्रैफिक होगा हमारा उसको प्रॉपर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टू नीड्स हमें कौन सी डायरेक्शन उसके ऊपर अप्लाई करनी है, वो डायरेक्शन हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं. देन फ्लेक्सिबल फ्लो लेवल कंट्रोल. जो भी फ्लो होगा उसको फ्लेक्सिबली मूव करने के लिए डिफरेंट लेवल के अकॉर्डिंगली, कि जैसे लाइक लो लेवल फ्लो है, हाई लेवल है, मीडियम है, मॉडरेट लेवल फ्लो है, अकॉर्डिंग टू लेवल्स उसको कौन से वे में हमें फ्लो करना है, उसकी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे. डायनामिक ट्रैफिक क्लासेस, कि जैसे कि नॉर्मली जो नेटवर्क के क्लासेस हमें पता है कि कौन कौन से होते हैं, नेटवर्क क्लास ए बी सी डी ई, के फाइव टाइप्स ऑफ क्लासेस है. सिमिलर हमारे ट्रैफिक के अंदर भी डिफरेंट क्लासेस है, जिसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, जो भी नेटवर्क से हमारे पास उसको डिफाइन करेंगे एंड डायनेमिकली उसको मॉनिटर कर सकते, मेजर कर सकते एंड जो एनालिसिस वगैरह प्रोसेस है सभी प्रोसेस उसके अंदर कर सकते. देन लास्ट इसके अंदर है द कस्टम फ्लो एग्रीगेशन लेवल. इन द सेंस अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स या मैन्युअली हम क्या कर सकते हैं, जो भी फ्लो होगा हमारे अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं. कि कस्टमर को जिस तरह से रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर कि आर्किटेक्चर का डायग्राम किस तरह से दिया गया हमें, आर्किटेक्चर पॉलिसी कॉप का आर्किटेक्चर किस तरह से दिया गया. जस्ट लाइक ए डायग्राम सिंपल कि पॉलिसी कॉप. ओके, डायग्राम के अंदर देखो कि कौन कौन से डिफरेंट प्लेन यहाँ पे दिए गए. इन द सेंस कि नॉर्मल जो हमारा कंसेप्ट है एसडीएन कंट्रोल प्लेन, इन द सेंस सेकेंड यूनिट के ऊपर चालू है. सो उसी का कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया है. इन एसडीएन कंट्रोलर कंट्रोल प्लेन हमारे पास है, किससे कनेक्टेड है, डेटा प्लेन से वाया ओपन फ्लो प्रोटोकॉल, ओपन फ्लो एपीआई. ओपन फ्लो एपीआई और डेटा प्लेन की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, उसके अंदर आपको ओपन फ्लो एंड डेटा प्लेन्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. देन थोड़ा सा ऊपर जाते दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, राउटिंग, डिवाइस ट्रैकर,
स्टैटिस्टिक कंट्रोल एंड रूल्स डेटाबेस। ओके, एक क्या है हमारे, ओके, इन द कंट्रोल प्लेन द पॉलिसी कॉप ऑन अ फोर मॉड्यूल्स एंड डेटाबेस फॉर स्टोरिंग अ रूल्स, कि फोर डिफरेंट मॉड्यूल्स हमारा कंट्रोल प्लेन फॉलो करता है, एंड एक रूल्स डेटाबेस जिसके अंदर रूल्स से होने वाले कि वन बाय वन देखते हैं उसके अंदर भी क्या है। देन नेक्स्ट देख सकते हो आप कि जस्ट लाइक ट्रैफिक मॉनिटरिंग, पॉलिसी चेकर, इवेंट हैंडलर, कि डिफरेंट मॉडल्स और भी दिए गए इसके अंदर। जैसे लाइक राइट साइड में आप देख सकते हो ट्रैफिक मॉनिटर है, पॉलिसी चेकर है, इवेंट हैंडलर, टोपोलॉजी मैनेजर, लेफ्ट साइड में पॉलिसी इन्फोर्समेंट के अंदर रिसोर्स मैनेजर एंड पॉलिसी एडप्शन, ये डिफरेंट मॉड्यूल्स इसके अंदर है। ये देखो किस तरह से कॉम्बाइन हो रहे, कि हम फ्लो थोड़ा सा देखते समझ के लेने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट इसका जो फ्लो टेबल है वो शायद सही, कि जो नेक्स्ट स्लाइड होगी हमारी उसके अंदर ये डायग्राम आर्किटेक्चर ख़त्म होने के बाद हमें पता चलेगा कि किस तरह से फ्लो है, कि फ्लो का भी एक आर्किटेक्चर की डायग्राम, फ्लो डायग्राम हमने दी गई है पॉलिसी कॉप की। सो उसके थ्रू हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह से फ्लो होने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से मॉड्यूल्स है और किस तरह से वो वर्क होने वाले। सो वन बाय वन देखते कौन कौन से मॉड्यूल्स है और किस तरह से वर्क होते। तो पॉलिसी कॉप रिलाइज ऑन फोर मॉड्यूल्स एंड डेटाबेस फॉर स्टोरिंग कंट्रोल्स एंड रूल्स, कि कौन कौन से फोर्स है। जैसे लाइक हमने देखे थे फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, उसका टास्क क्या है, द एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम रिसोर्स प्रोविजन मॉडल फॉर रिजर्विंग अ नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज अ क्यू, फ्लो टेबल एंट्री एंड कैपेसिटी, कि एडमिशन जैसे नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर पर्सन होता है उसके अकॉर्डिंगली जो भी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हमें आने वाले टू अ कंट्रोल पैनल के पास, तो उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। देन एक्सेप्ट करने के बाद उसको कौन कौन से प्रोविजन हमें असाइन करनी है, इन द सेंस कौन कौन से नेटवर्क रिसोर्स असाइन करने हैं, स्टोरेज रिसोर्स असाइन करने हैं, तो सभी टास्क एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल करने वाला है। देन सेकेंड वन इज एन राउटिंग, द डिटरमाइन द पाथ अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑन अ कंट्रोल रूल्स इन अ रूल डेटाबेस, कि अकॉर्डिंग टू रूल डेटाबेस हमें जिस तरह से कंट्रोल करना है, कि जैसे कि पाथ डिफरेंट पाथ हमारे पास अवेलेबल होंगे नेटवर्क के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंगली हर एक राउटर को या जितने भी नंबर्स ऑफ नेटवर्क है फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट हमें कौन कौन से पाथ असाइन करने हैं। सो उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल्स हमारे रूल्स डेटाबेस के अंदर, तो डेटाबेस के रूल्स यहाँ पे हम फॉलो करेंगे एंड देन जो राउटिंग हो गए रूट असाइन करने वाले। देन नेक्स्ट इज एन डिवाइस ट्रैकर, ओके, ट्रैक अप एंड डाउन स्टेटस ऑफ एन नेटवर्क स्विच एंड देयर पोर्ट्स, कि नंबर्स ऑफ डिवाइसेस इसके अंदर हम यूज करने वाले, जैसा कि राउटर, स्विच, हब, तो हर एक डिवाइस के जो स्टेटस होंगे अप एंड डाउन, जैसे लाइक आपने प्रैक्टिकल सेशन में देखा होगा कि जब भी हम कोई भी सिस्टम कोई भी राउटर्स को आईपी एड्रेस असाइन करते हैं देन उसका स्टेटस अप हो जाता है। ओके, सिंपल शो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम उसके थ्रू आईपी स्टेटस देखते, तो जितने भी स्टेटस होंगे तो उसको ट्रैक करने के लिए डिवाइस के हम डिवाइस ट्रैकर यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देन नेक्स्ट इज एन स्टैटिक कलेक्शन, इन अ स्टैटिक कलेक्शन यूज अ मिक्स पैसिव एंड एक्टिव मॉनिटरिंग टेक्निक्स टू मेजर अ डिफरेंट नेटवर्क मैट्रिक्स, कि जैसे कि मॉनिटरिंग पर्पज के लिए इन सेंस जितने भी डिवाइसेस है नेटवर्क को हैंडल करने वाले, सो उसके अंदर जो भी स्टैटिस्टिक इन द सेंस ट्रैफिक किस तरह से जनरेट हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा, तो एक्टिवली इन द सेंस जो जो एक्टिव है, पैसिवली इन द सेंस मैनुअल वे में भी हम उसके अंदर जैसे ऑटोमेटिक बोल सकते हैं और मैनुअल मोड्स दे बोल सकते हैं, दोनों वे से हम इसके अंदर मॉनिटरिंग चेक कर सकते हैं। फिर लास्ट इज एन फिफ्थ इज एन रूल्स डेटाबेस, दैट इज द एप्लीकेशन प्लेन ट्रांसलेट अ हाई लेवल नेटवर्क वाइड पॉलिसी टू अ कंट्रोल रूल एंड स्टोर देम इन अ रूल डेटाबेस, कि जो भी हमने मॉनिटरिंग टेक्निक्स से जैसे एक्टिव हो सकता है, पैसिव हो सकता है, दोनों में से कोई भी
वे से जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उस डेटा को स्टोर करने के लिए, उस नंबर ऑफ रूल्स को स्टोर करने के टू है डेटाबेस, यहाँ पे हमारे पास रूल डेटाबेस है। देन नेक्स्ट दैट इज देन बाकी के जो मॉडल थे, जैसे कि हमने बोला था कौन कौन से मॉडल थे जो अप्पर लेयर में थे आर्किटेक्चर के, कि इफ आपको चाहिए होगा तो आप रिवाइंड करके डायग्राम देख सकते हो आर्किटेक्चर की। तो उस डायग्राम के अंदर था जैसे कि हमने बोला था ट्रैफिक मॉनिटरिंग, कि ट्रैफिक मॉनिटरिंग क्या कर रहा है, द मॉनिटर द ट्रैफिक, बेसिक जो नेम सजेस्ट बोल रहा है, कलेक्ट द एक्टिव पॉलिसी फ्रॉम अ पॉलिसी डेटाबेस एंड डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट मॉनिटर इंटरवल नेटवर्क सेगमेंट एंड मैट्रिक्स टू बी मॉनिटर। क्योंकि जो जो पॉलिसी एक्टिव है, जैसे लाइक एक रूल्स एंड रेगुलेशन की जो एक्टिवली वर्क हो रहा है या एक्टिव है अभी, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक्टिव मॉनिटर है, कि जिसके थ्रू हम चेक करेंगे कि जो भी पॉलिसी अभी एक्टिव है कि वो प्रॉपरली फॉलो हो रही कि नहीं। देन सेकेंड इज एन पॉलिसी चेकर, अभी क्या करेगा, पॉलिसी चेक करेगा, चेक फॉर पॉलिसी वॉयलेशन यूजिंग एन इनपुट फ्रॉम पॉलिसी डेटाबेस एंड ट्रैफिक मॉनिटर, कि ट्रैफिक मॉनिटर एंड पॉलिसी डेटाबेस हमारे पास है जिसके थ्रू हम चेक करेंगे कि जो भी पॉलिसी है वो वॉयलेट तो नहीं हो रही, ओके, उसके कोई रूल्स ब्रेक तो नहीं हो रहे या प्रॉपरली फॉलो हो रहे कि नहीं। देन थर्ड इज एन इवेंट हैंडलर, द एग्जामाइन द वॉलीटेशन इवेंट एंड डिपेंडिंग ऑन अ इवेंट टाइप आइदर ऑटोमेटिकली इन्वोक द पॉलिसी इन्फोर्स एंड सेंड एक्शन रिक्वेस्ट टू द नेटवर्क मैनेजर। ओके, इफ हम चेक करेंगे कि वॉयलेशन हो रहा है तो कौन से टाइप्स का वॉयलेशन हो रहा है, देन उसके ऊपर प्रॉपर एक एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट हम क्या करेंगे, नेटवर्क मैनेजर के पास सेंड करेंगे, या ऑटोमेटिकली इन्वोक हो रहा है या कोई फोर्सफुली उसको इन्वोक कर रहा है, इन द सेंस वॉयलेट कर रहा है रूल्स को, तो हम इसके अंदर इवेंट हैंडलर के अंदर देखेंगे। देन टोपोलॉजी मैनेजर, ओके, टोपोलॉजी इन द सेंस हमें पता है कि जो हमारे नेटवर्क का व्यू होता है ग्लोबल व्यू, तो उस ग्लोबल व्यू को क्या कहना है, मेंटेन द ग्लोबल व्यू ऑफ द नेटवर्क एंड बेस्ड ऑन इनपुट फ्रॉम अ डिवाइस ट्रैकर, कि डिवाइस ट्रैकर हमने जो देखा था मॉड्यूल, तो वह डिवाइस ट्रैकर हम क्या करेंगे, एक मॉड्यूल हमारे पास होगा टोपोलॉजी होगा जिसके थ्रू प्रॉपर व्यू हमें इसके अंदर मिलने वाला है। देन नेक्स्ट इज एन रिसोर्स मैनेजर, द ट्रैक कीप ट्रैक करंट अलोकेटेड रिसोर्स यूजिंग एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल एंड स्टैटिस्टिक कलेक्शन, कि जितने भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं जैसे नेटवर्क स्टोरेज या डिफरेंट डिवाइसेस के रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे, तो उस रिसोर्सेस को मैनेज करने का टास्क हमारे रिसोर्स मैनेजर का है। देन नेक्स्ट इज एन पॉलिसी एडेप्शन, ओके, इन अ पॉलिसी एडेप्शन कंसिस्ट द सेट ऑफ एक्शन ऑन विच द टाइप्स इज वॉयलेशन, कि कौन से टाइप थ्रू हमारी पॉलिसी वॉयलेट हो रही है ये हम इसके अंदर चेक कर लेंगे, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम इसको क्या इसके ऊपर क्या करेंगे, नेटवर्क मैनेजर वहाँ पे एक्शन लेगा। देन लास्ट इज एन रिसोर्स प्रोविजन, कौन कौन से रिसोर्स हमने प्रोवाइड किए, द दिस मॉडल्स आइदर allocated a more resource or release the existing one or both based on violation event, कि कौन कौन से वे से हमारी पॉलिसी वॉयलेट हुए उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे यहाँ पे रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे। कि इन द सेंस इवन प्रीवियस जो वॉयलेशन होंगे उसके अकॉर्डिंगली कहेंगे या कोई न्यू वॉयलेशन होगा तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम यहाँ पे allocated resource करने वाले हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे जैसे लाइक बोल रहे थे हमने कि जो फ्लो प्रोसेस होने वाला है, कि फ्लो प्रोसेस इन द सेंस जो डायग्राम तो हम चेक करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे एक्शन परफॉर्म होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो कि जैसे कि वही रूल्स रेगुलेशन के, थोड़ा सा साइड में लेते हैं कैमरा को, ओके अभी विजिबल है। सो फर्स्ट स्टार्ट द प्रोसेस, कि प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, तो जो हमारा मॉनिटर ट्रैफिक है, ओके, जो क्या करेगा जैसे कि हमने देखा था प्रीवियसली जो पॉइंट टू पॉइंट के अंदर, कि मॉनिटर ट्रैफिक
ट्रैफिक को मॉनिटर करेगा, जो भी पॉलिसी होगी उसके अंदर उसको चेक करेगा एंड वायोलेशन है क्या नहीं चेक करेगा. ओके, इफ वायोलेशन नहीं होगा, ओके नो, इन द सेंस जो आपको फ्लो डायग्राम को रीड करना आता ही होगा. इफ डायमंड सिंबल इन द सेंस वो क्या कर रहा है, डिसीजन दे रहा है यस और नो. सो एज अ वायोलेट हो रहा है तो चेक इवेंट के पास जाएगा, नहीं हो रहा तो अगेन वो मॉनिटर ट्रैफिक करेगा. इन द सेंस कंटिन्यूस प्रोसेस में वो क्या करेगा, मॉनिटर ट्रैफिक, ट्रैफिक को मॉनिटर करता रहेगा. देन इफ एस इफ वायोलेट हो रहा है देन चेक इवेंट कि कौन से वे से होने वाला है. देन उसके जो क्लासिफिकेशन होंगे कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे एंड नेक्स्ट सेंड टू द रिक्वायर्ड ऑटोमेटिक एक्शन. इसके अंदर दो टाइप्स के एक्शन है. इफ चेक करेंगे कि वो प्रीवियसली कोई एक्शन हुई क्या नहीं. ओके, इफ प्रीवियसली सेम इवेंट ऑकर हुआ होगा तो सेम एक्शन हम उसके अंदर परफॉर्म करेंगे एंड एडप्ट टू